जिले के किसी बड़े अधिकारी से यदि जन समस्या संबंधित कोई सवाल पूछे जाए और अधिकारी कहे कि यह सीक्रेट मामला है, इस पर सवाल मत पूछिए और फिर बजाय मामले में जवाब देने के कैमरा बंद करने को कहे, तो ऐसे अधिकारियों के लिए आप क्या कहेंगे? देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? प्रशासनिक सेवा में आने के साथ ही स्वभाव में नम्रता एक अधिकारी की पहचान हो जाती है, क्योंकि वह जन समस्याओं को हल करने के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन हमारे नीमच जिले की जिला परिवहन अधिकारी बरका गोड़ अशालीन व्यवहार के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। ऐसा ही मामला आज हुआ, जब परिवहन अधिकारी बरका गोड़ ने अपने अशालीन व्यवहार की हद पार कर दी और मीडिया के साथ अभद्रता की। उन पे कैसे डाल रहे हैं ये, इसको छोड़ दो आप, ये तो बाइट दो आप मुझे। नहीं, आप इधर दो मेरे को। क्या दो? इधर दो मोबाइल। आप हमारा कैमरा छीन रहे हो। नहीं तो आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी बाइट ले रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं आपकी बाइट ले रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? आप जवाब दो ना इस मामले में। बाइट लेने का तो और कैसे लूंगा जवाब? कैसे लूंगा बाइट? और बिना दिखाए आप बिना कुछ भी करे कर। मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया इशू। आप बोल रहे हो अंडरग्राउंड बात कर रहे हो। दरअसल मामला यह है कि नया गांव केशरपुरा के बीच होटलों पर छोटे ट्रकों से सीमेंट भरकर लाया जाता है और सीमेंट के ट्रकों को बड़े डंपर ट्रालों में खाली कर दिया जाता है। इस तरह अंडरलोड को ओवरलोड में बदलकर एमपी में सप्लाई किया जाता है। इसी के फोटेज पत्रकारगण संजय यादव, महेश जैन, अफजल कुरेशी और गोपाल मेहरा बनाकर लाए थे और इसी संदर्भ में आज पत्रकारगण जिला परिवहन अधिकारी बरका गोड़ से उनकी कार्रवाई के प्रतिपक्ष लेने गए। तब परिवहन अधिकारी बरका गोड़ ने पहले कहा कि यह मामला सीक्रेट है, इस मामले को मत उठाओ। फिर हमारा मोबाइल छीनने का प्रयास किया और फिर अभद्रता करते हुए अन्य कर्मचारियों से कहा कि इन्हें बार कर दीजिए। वो ट्रकें किस पर आती है, फिर यहाँ पे दो तीन ऐसे जो है वो बने हुए हैं होटल्स वगैरह जो है उनको लोगों के लिए कहीं रोड पे बाहर ही, और ये वहाँ पर जो है ये ट्रक को एक मतलब जो अंडरलोड जो ट्रक आती है। हाँ मैं दिखा रहा हूँ ना, वाइट ही ले रहा हूँ आपसे, शुरू में लगा देना। उधर से जो अंडरलोड में आती है और फिर यहाँ इस पार आती है, ये एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है और यहाँ से ओवरलोड होकर फिर ये एमपी में सप्लाई। देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो देखो कुछ चीज सीक्रेट में आपका कहना है, आप तो बाइट दो डायरेक्ट। बाइट में नहीं दे पाऊँ क्योंकि देखो कारण हेड ऑफिस से निर्देश हमको, हमें तो अब ये मना कर दो कि हेड ऑफिस से निर्देश है। सीमेंट आप अधिकारी हैं जिले के पूरे, क्या सीमेंट जो है अंडरलोड आके ओवरलोड हो रहा है और जिले के मेन अधिकारी आप हैं, आप उन पे कैसे डाल रहे हैं ये? इसको छोड़ दो आप, ये तो बाइट दो आप मुझे। नहीं, आप इधर दो मेरे को। क्या दो? इधर दो मोबाइल। आप हमारा कैमरा छीन रहे हो। नहीं तो आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी बाइट ले रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं आपकी बाइट ले रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? आप जवाब दो ना इस मामले में। बाइट लेने का तो और कैसे लूंगा जवाब? कैसे लूंगा बाइट? और बिना दिखाए आप बिना कुछ भी करे कर। मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया इशू। आप बोल रहे हो अंडरग्राउंड बात कर रहे हो। बाहर करो इनको, बाहर कर। अब सवाल यह उठता है कि ओवरलोड अंडरलोड के काले कारोबार के मामले में ऐसा क्या सीक्रेट है जिसे परिवहन अधिकारी छुपाना चाह रही है और धीमी आवाज में कह रही थी कि यह मामला सीक्रेट है और फिर अचानक मीडिया पर भड़क गई। खबर ऐसी दिखेगी नीमच से नौशाद अली की एक रिपोर्ट। देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो देखो कुछ चीज सीक्रेट होती है, ठीक है ना? ये तो में आपका कहना है, आप तो बाइट दो डायरेक्ट। बाइट में नहीं दे पाऊँ क्योंकि कारण हेड ऑफिस से निर्देश हमको, हमें तो अभी मना कर दो कि हेड ऑफिस से निर्देश है। सीमेंट आप अधिकारी हैं जिले के पूरे, क्या सीमेंट जो है अंडरलोड आके ओवरलोड हो रहा है और जिले के मेन अधिकारी आप हैं, आप उन पे कैसे डाल रहे हैं ये? इसको छोड़ दो आप, ये तो बाइट दो आप मुझे। नहीं, आप इधर दो मेरे को। क्या दो? इधर दो मोबाइल। आप हमारा कैमरा छीन रहे हो। नहीं तो आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपकी बाइट ले रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मैं आपकी बाइट ले रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? आप जवाब दो ना इस मामले में। तो और कैसे लूंगा जवाब? कैसे लूंगा बाइट? और बिना दिखाए आप बिना कुछ भी करे कर। मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया इशू। आप बोल रहे हो अंडरग्राउंड बात कर रहे हो। बाहर करो इनको, बाहर करें।